नेता आता तो उसकी फटक नहीं खोलता, किसी के जूते चप्पल चाय के प्लेट नहीं उठाता। और मैं कुछ बनू या नहीं बनू, लेकिन मेरे भाइयों के लिए एक ऐसा मंच तैयार करूंगा राजस्थान के अंदर, मैं संघर्ष सिखाऊंगा राजस्थान के किसान के बेटों को कि उनकी असली जो सत्ता है वो मुख्यमंत्री का पद है, मंत्री पद आपकी असली ताकत नहीं है। कि जो भाइयों आपको जगाने का बुरा मैंने उठाया और पिछले 15 साल के अंदर राजस्थान के कोने कोने के अंदर गया, और राजस्थान का ऐसा कोई दादा नहीं होगा, ऐसा कोई माफिया नहीं होगा जिसके खिलाफ हनुमान ने लड़ाई नहीं लड़ी। चंबल के बीड़ का जगन गुजर का नाम सुना होगा डाकू का आपने, जब मैंने लोकसभा के अंदर मामला उठाया तो दूसरे दिन ही सरेंडर हो गया डर के मारे के इनकाउंटर हो जाएगा। हनुमान छोरों को बिगाड़ रहा, मुझे आप बताओ बाड़मेर के कितने लड़कों को मैंने बिगाड़ के और जमीनों पर कब्जे कराया, दारू बिकवा, तो किसी एक लड़के का नाम बताओ राजस्थान का। ये तो हनुमान ही है, अपनी ताकत याद दिलाता है। तेजा जी के भक्तों, सत्ता आपका इंतजार कर रही है, तब तक 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पर रहोगे। नंबर 1 की लड़ाई लड़ो, मुख्यमंत्री हमारा भाई होना चाहिए। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी हिल गई, और जिसका मेरे से झगड़ा था उसकी तो मैंने छुट्टी कर पीछे, और राष्ट्रहित के अंदर जब बात आई तो मैंने प्रधानमंत्री जी मोदी जी से बात करी। आप सबका भी मन था कि मोदी जी को सपोर्ट करो, देश की आवश्यकता है, और भाइयों आपके कहने से मैं लोकसभा में पहुंचा।